किंगडम मोनीरा में वो ऑर्गेनिज्म्स आते हैं विच आर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स विच आर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स राइट। यानी किंगडम मोनीरा में इतने ऑर्गेनिज्म्स जीवन जो सिंगल सेलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं। Prokaryote means those organisms which have the primitive type of nucleus. Pro means primitive. Pro means primitive. And karyon which means nucleus. It means proper nucleus जो है वो absent होता है. Proper nucleus is absent. Right? So they are the unicellular prokaryotes and here the proper nucleus. Proper nucleus is absent. Proper nucleus का मतलब क्या है? Proper nucleus means here the nuclear membrane is absent. Here the genetic material DNA is negative. That means here the nucleoid is present. Nucleus यहाँ पे absent होता है. Nucleus is absent आस. Proper nucleus absent होता है. DNA जो है इधर DNA आसन जो सूक्ष्म आसन कवर्ड करते हैं किनसे? So here the DNA और क्रोमोसोम और नेकर DNA जो है वो नेकर होता है ठीक। Here the DNA is नेकर। अगर यहाँ पर मैं न्यूक्लियस को बनाता हूँ न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और कैसे क्रोमैटिन और DNA ठीक। तो इस DNA के अंदर क्या प्रेजेंट प्रॉपर न्यूक्लियस। बट इन बैक्टीरिया आर इन किंगडम मोनीरा विच इंक्लूड द यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हियर द प्रॉपर न्यूक्लियस इज एब्सेंट हियर द DNA इज नेकर्ड दैट मींस हियर द न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है DNA इज नेकर विच मीन न्यूक्लियोइड राइट। हियर द DNA इज सर्कुलर यहाँ पे लीनियर नहीं होता है बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर DNA होता है दैट DNA इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइड टाइप ऑफ DNA विच इज नेकर विच इज नॉट एनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोइड दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड राइट। So they include the unicellular prokaryotes. Prokaryotes mean they don't have the proper nucleus. Here the DNA is naked. That means here the nucleoid is present. Also, membrane bound. Here the membrane bound cell organelles. Membrane bound cell organelles are. Absent. As we know that in every cell there are little organs like mitochondria, Golgi body, endoplasm, reticulum. They all have the membrane. But here in prokaryotes, these cell organelles which are having the membrane, जिनके अंदर membrane होती है, वो cell organelles absent होते हैं, like Golgi body, endoplasm, reticulum, lysosome. ये सारे क्या होते हैं? Absent होते हैं. ठीक? And ये जो ये किंगडम मोनीरा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका जो हैबिटेट है, अगर हम हैबिटेट की बात करें दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रोकैरियोट जो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स आते हैं इस किंगडम मोनीरा में दैट मीन्स अ बैक्टीरिया जो इसमें आते हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। हैबिटेट ये कहां पर रहते हैं बैक्टीरिया कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर दैट मीन दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन को ये का ऑर्गेनिज्म प्रस्तुत है लाभ निशु ये वेदर इन द हार्ट कंडीशन कोल्ड वाटर बॉडी हॉट वाटर बॉडी जो भी हो एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये पाए जाते हैं बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर तो इंटेस्टाइन में पूछो अंदर में पूछो वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। सो हैबिटेट जो है इन बैक्टीरिया का दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर।
इन हार्ड कंडीशन में भी ये पाए जाते हैं, कोल्ड कंडीशन में भी पाए जाते हैं, या एसिडिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं, या बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं, मीन दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अब ये बैक्टीरिया जो है, एज वी नो दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली हम उनको डिवाइड करते हैं, वन इज नोन एज आर्च बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया, से पहले भी मैंने बोला था आर्च बैक्टीरिया, राइट। इसके बाद और एक टाइप मैंने बोला था यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, राइट। एंड थर्ड वन इज नोन एज द, ये अलग कैटेगरी है, दैट इज नोन एज द माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये डिफर होता है किन से, इन दो से, माइकोप्लाज्मा ये अलग ही है, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। आर्च बैक्टीरिया मैंने आपको बोला था दीज आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक। तो आर्च बैक्टीरिया आर द एंशिएंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एंशिएंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एंशिएंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दे आर द एंशिएंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, सो दे कैन सर्वाइव इन सर्दी ज्यादा जहां पे होगी वहां पे भी सर्वाइव करेंगे, जहां पे एसिडिक कंडीशन ज्यादा होगी एसिड ज्यादा टैक्टिशियम सर्वाइव कर, मीन नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशंस के अलावा कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, उन कंडीशन में जहाँ पे सर्वाइव करना नामुमकिन है वहां पे ये सर्वाइव करते, उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशन। वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, आर्च बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया। एंड इसके बाद जो बैक्टीरिया इवॉल्व हुए उनको हम कहते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये मॉडर्न बैक्टीरिया। आज जिसके बारे में मोस्टली पढ़ते हैं दिए जाते मॉडर्न टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया। जब भी हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, यू बैक्टीरिया, बस पढ़ नॉर्मल तो के मींस यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक। इसके बाद माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफर होते हैं किनसे, बैक्टीरिया से, बिकॉज द माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव, डू नॉट पोजेस व्हाट, सेल वॉल, इनके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती, बट बैक्टीरिया जो होते हैं उनके इर्द गिर्द सेल वॉल होती है, बट ये वाला बैक्टीरिया जो है इसके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए इसको हम सेपरेट रखते हैं। माइकोप्लाज्मा जो सु बैक्टीरिया, ये मींस बैक्टीरिया शन अन्य जो सेल वॉल आसन के नट नट आसन बाद के बैक्टीरिया सेल वॉल प्रेजेंट, तो माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल जो है पूरी दुनिया में दैट इज द पीपीएलओ, पीपीएलओ स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, दैट इज व्हाट पीपीएलओ आर माइकोप्लाज्मा। एंड साइनोबैक्टीरिया ये भी डिफर होता है इन बैक्टीरिया से, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, दे आर ग्रीन इन कलर, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ब्लू, दे आर कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, दे शो व्हाट, दे शो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। तो इसीलिए हम नॉर्मली में कितने कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं, चार कैटेगरी, आर्च बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया, राइट। बट जब मैं कुछ फीचर्स बोलूंगा या स्ट्रक्चर बन या शेप्स ऑन बैक्टीरिया, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज यू बैक्टीरिया,
और ये आर्चे बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया थोड़े क्या होते हैं, डिफर होते हैं, इसीलिए हम उनको क्या रखते हैं, अलग रखते हैं। ये कोई शेप या बदल का फीचर वन मीन पशु दिमाग नजदीक हम वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्यूबरक्यूलोसिस समझ रहे हो। इल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये आपने सेल में पढ़ा है, तो बढ़ने से पढ़ा सेल। इल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मैं यहाँ पे लिखूंगा, इल्यूरो निमोनिया लाइक लाइक ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल ठीक। अगर हम शेप की बात करें मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट यू बैक्टीरिया शेप, इन बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स होती है राइट, इन बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स होती है, दे मे बी दिस राउंड इन शेप ऐसे, दे मे बी ओवल इन शेप, दे मे बी कॉमा शेप